हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब बढ़िया से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही बढ़िया सी लंच बॉक्स की रेसिपी, और इसे बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है, और इसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे लिए दो ब्रेड, ब्रेड पे लगाया मतलब पिज्ज़ा सॉस और मेयोनीज, इसको अच्छे तरीके से स्प्रेड कर दिया ब्रेड पर। फिर मैंने ली यहाँ पर कुछ वेजेस, तो मैंने यहाँ पे लिया प्याज कटा हुआ, टमाटर और थोड़ी सी हरी मिर्चें। साथ में हाँ, मैंने यहाँ पे लिए पनीर के पीसेस, तो पनीर को मतलब मैंने क्यूब्स पीसेस में कट कर लिया था। थोड़े से पनीर के पीस पे रख देते हैं, और अगर आपको कोई और से वेजेस पसंद हो तो उसे यूज़ कर लो, और इनमें से कोई नहीं पसंद हो तो स्किप भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, पनीर इसमें ज़रूर से ट्राई करना, क्योंकि पनीर का इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। इसके बाद मैंने थोड़ा सा स्प्रिंकल किया पेरी पेरी मसाला, और साथ में थोड़ा सा अप्लाई किया टोमेटो केचप, और यार जो सैंडविच बना था इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो मैंने इसके बाद ऐड किया यहाँ पे डाइस चीज़, और आप चाहो तो कोई और सी चीज़ भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मोज़रेला, चीज़ क्यूब्स या चीज़ स्लाइस। फिलहाल मैं यहाँ पे डाइस चीज़ यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसे थोड़ा सा पिज्ज़ा वाला फ्लेवर का लुक देना चाह रही हूँ। फिर थोड़ा सा स्प्रिंकल किया ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स, दूसरे ब्रेड से इसको कवर करके हल्का सा प्रेस कर दिया, जिससे कि इस तरीके से सेट हो जाए। अब मैंने यहाँ पे लिया पैन, और पैन में हल्का सा बटर अप्लाई कर लेते हैं। बटर जो मैंने यहाँ पे लिया है वो सॉल्टेड है, अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप घी भी यूज़ कर सकते हो। इस पर रख देते हैं जो हमने ब्रेड बनाया था वो, और इसे दोनों तरफ से क्रिस्पी क्रिस्पी होने तक सेक लेते हैं पैन पर। तो एक तरफ से जो सैंडविच है वो सिक चुका है, दूसरी तरफ से भी सेक लेते हैं, इस तरीके से हाथ से कर देंगे जिससे कि इक्वली सिक जाए। अब इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिया है लंच बॉक्स, आपके पास जो भी लंच बॉक्स हो उसे यूज़ कर सकते हो। अब हम इसमें रखेंगे एक टिश्यू पेपर, और जो हमने सैंडविच बनाए हैं उसे रख लेते हैं। तो आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में ज़रूर से बना के दीजिएगा, या आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। और इसके बाद मैंने छोटे वाले बॉक्स में रखे, यहाँ पे मैं लिए थे कुरकुरे के पॉपकॉर्न। तो आप जो चाहो वो रख सकते हो, आपके बच्चों जो पसंद हो आप वाला पैकेट फूड इसमें रख दीजिएगा। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे रखे दो टोमेटो केचप के पैक और दो जस्ट जेली की टॉफीज। तो बनकर तैयार है हमारा ये बढ़िया सा, इजी सा एंड सुपर डिलीशियस लंच बॉक्स। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना अपने दोस्तों और फैमिली के साथ।